गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 12 नवंबर और आज है दिवाली। फाइनली वो दिन आ चुका है, तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं जा रहा हूँ जिम। वाओ, मुझे बहुत खुशी, जैसे मैंने आपको कल ब्लॉग में बताया था कि जिम आज ओपन है। मतलब मे भी सर सुबह ही होगा, शाम तक लेकिन नहीं होगा क्योंकि सबको दिवाली मनानी है। बट ठीक है, ओपन है वो बहुत बड़ी बात है। नहीं होता तो फिर साइकिलिंग करनी पड़ती है। और जिम से क्या होता है, पूरी बॉडी का मतलब वर्कआउट हो जाता है। तो साइकिलिंग से आपका होता है, ठीक है, जिम की बात अलग होती है। सॉरी, एक तो बीच में लाइट चली जाती है ना, तो अंधेरा तो रहता है। और बाकी भी ठंडा ठंडा सा मौसम है। मतलब यहाँ पर भी होती है थोड़ी थोड़ी सर्दी सुबह सुबह होती है, लेकिन जो दिल्ली की बात है वो दिल्ली है। दिल्ली तो हमारा बेस्ट है ही है, ठीक है। अपना बर्थ प्लेस तो हम भूल नहीं सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं जिम, और उसके बाद जिम से आने के बाद बहन के साथ जाऊंगा वहाँ गुरुद्वारे। तो चलते हैं अभी जिम, और हैप्पी दिवाली वंस अगेन। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट की है बहुत। यहाँ पे तो इतने पटाखे मिलते हैं, मैंने बहुत देखा, बहुत हद से ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं। दिल्ली में शायद थोड़े बहुत बैन हो जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से। तो ये जो अम्ब्रेलाज लगे पड़े थे, इस पर लाइटनिंग थी, तो बारिश के कारण सब खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी दिवाली तो है ही है। तो वो रहा सामने जिम, चलते हैं चलते हैं। ये बनी है रंगोली क्लब हाउस में, मुझे आपको रात को दिखाई दी है। तो फ्रेंड्स, मैं पूछ रहा हूँ जिम, और करते हैं अपना वर्कआउट, और उसके बाद निकलते हैं गुरुद्वारे की ओर, ठीक है। चलिए फिर मैं दोबारा मेरे पीछे देख लीजिए, जिम बहुत बड़ा है, बड़ा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं गुरुद्वारे नीलजे गांव। तो ये रेडी नहीं हुई थी इतनी देर से, पूरी आलू खा रही थी, तो बस ठीक है, हम चलते हैं गुरुद्वारे और आपको वहीं मिलते हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स, कैब आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं कैब में। ऑटो तो बुक नहीं हो रहा था, तो कैब ही हुई, तो चलते हैं कैब। चलिए, अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे, वहीं मिलते हैं। अभी जा रहे हैं, क्या कहते हैं, सोचते कि वहाँ पे कुछ मिलेगा भी, लंगर वगैरह है ना। नहीं होगा तो फिर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं कैब से और चाय पी लें, तो फिर चलते हैं इधर। आ गए तो फ्रेंड्स, हम अब हम चाय पी रहे हैं दोनों, और पीछे वो देख रहे हो वहाँ पर, अभी मैंने फोटो खिंचाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है खाने पीने की शॉप, आप देख सकते हो, वो है समोसा वगैरह। अब तो मैं तो सोच रहा था कि डाइट वाइट अपना कुछ नहीं, मतलब भैया सब तोड़ दूंगा। तो फ्रेंड्स, पी लिया है हमने चाय, और अब हम जा रहे हैं आगे मिठाई लेने गुरुद्वारे के लिए। तो आज भी पाप लिया है, और हमारे में क्या बोलते हैं, बंदी छोड़ दिया है ना, बंदी छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो, होल सेल में पटाखे बेच रहे हैं। घर से पैदल आया था ना, आपको वहाँ पे आता है। ये देखो होल सेल। और ये देखो फूल वगैरह कितना अच्छा लगता है, होल सेल। लेकिन अपनी जो दिल्ली की बात है वो दिल्ली की ही है। ये देखिए दिए वगैरह यहाँ पे, फ्रेंड्स यहाँ पे इतनी तो मिठाइयों की दुकान है जितनी पटाखों की दुकान है। देखिए हर जगह पे पटाखे, यहाँ पे तो फूल वगैरह, खैर हर जगह पटाखे। ये देखो उस तरफ भी पटाखे, इधर भी पटाखे। भाई साहब, ऐसे तो मिठाई होनी चाहिए, ऐसे बोलते पॉल्यूशन फ्री रखो, ये वो। अब यहाँ पे देखो सब जगह पटाखे वगैरह। तो फ्रेंड्स, आगे फाइनली मिठाई की दुकान, तो देखते हैं और कौन सी मिठाई कितने की है। वो अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, हमने ले ली है मिठाई, वो उसके हाथ में। तो अब हम चलते हैं सीधा गुरुद्वारे, बनने देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे के पास, और यहाँ से मतलब लेफ्ट होते ही एकदम गुरुद्वारा है, जहाँ पे वो शॉप है ना सामने उधर। तो ये रहा फ्रेंड्स गुरुद्वारा, ये है एंट्रेंस उसकी, और यहाँ पे हम आ चुके हैं काफ़ी बारी हम दोनों। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं अंदर एंटर, और बहन अंदर जा चुकी है। तो चलिए,
क्या अपनी जूते वगैरह उतार लेते हैं, उसके बाद फिर रुमाल बांध लें। तो फ्रेंड बांध लिया मैंने रुमाल और अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं तो पहुँच चुकी है, चलते हैं। वाह ठंडा ठंडा पाया, हाँ हाँ मज़ा आ रहा है ठंडा पानी, सॉरी पैर हो गया। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स अब हम एंटर करते हैं, आप भी कर लीजिए दर्शन। तो गुरुद्वारे में भाई जी हैं, ये प्रसाद चढ़ाने वो अरदास कर रहे हैं, तो हम भी वहीं चलते हैं अरदास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने चढ़ा दिया प्रसाद, हमने लिए थे पेड़े और ये पेड़ा मैं खा रहा हूँ भी। हाँ भाई तो चलो ठीक है, अब हम जा रहे हैं नीचे लंगर हॉल में, देखते हैं क्या हो रहा है। शायद अभी लंगर में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी हम नीचे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं अंदर लंगर हॉल में, और ये है निशान साहब और अंदर हो रही है सेवा। ये लंगर की तैयारी हो रही है, तो फ्रेंड्स ये हो रही है सेवा गुरुद्वारे में, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स उसको करनी थी सेवा, तो अभी सेवा नहीं है वहाँ पे, तो कुछ नहीं पे ऊपर बैठ के थोड़े ऊपर बैठ जाते हैं। कर ले पाठ, फिर मैं चलता हूँ, निकलता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं निकल चुका हूँ गुरुद्वारे से, और वो अभी ऊपर ही है, वो पाठ कर रहे हैं, उसको 15-20 मिनट लगेंगे। तो मैंने कहा भैया फिर मैं निकल जाता हूँ, 15-20 मिनट पता नहीं कितनी देर लगाएगी, 15-20 मिनट बोल रही है वो, देखते हैं। फ्रेंड्स मैं निकल चुका हूँ वहाँ गुरुद्वारे से, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं अभी थोड़ा सा मार्केट घूमूंगा, इधर में उसके 15-20 मिनट जो पाठ है वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स चारों ओर लाइन से पटाखों की दुकान है यहाँ पर, एकदम होल सेल में दिखते हैं। मुझे तो लगा है मैं हर टाइम देखता हूँ जा सकता है, यहाँ मिठाई की दुकान, मिठाई की दुकान थी ताकि मिठाई नहीं, यहाँ पे पटाखे बिक रहे हैं मिठाई की जगह। तो फ्रेंड्स मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, उसको लगना है अभी टाइम, तो बहुत धूप है। चलिए।